ये सब क्या है? संशय, कंफ्यूजन, संशय, बड़े संशय में रहना, संशय आत्मा विनश्यति। तो जो संशय है उसका नाश हो जाता है। पर जो श्रद्धावान है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञानम लब्धा परम शांति, परम शांति। पर कोई श्रद्धावान ज्ञान को उपलब्ध होता है, भक्ति को उपलब्ध होता है। ज्ञान या भक्ति, विचार, विवेक, वैराग्य, ये हाथ लग जाए तो फिर कोई संशय नहीं रहता। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ा वनिहारी। राम कथा कलि विटप कुठारी, कलि विटप, विटप माने वृक्ष, उसकी जड़ें उत्खनन करने वाली। एक बार एक योगी ने देखा कि कोई युवक ढंग से चल नहीं पा रहा है, लंगड़ाते हुए चल रहा है। युवक को लंगड़ाते हुए और धूप में, तेज धूप में माथे पर पसीना लथपथ। पूछा उसे कि क्या कर रहे हैं आप? उसने कहा, महाराज ये मैं जड़े खोद रहा हूं इसकी, मेरे पैर में कांटा लगा है। आज मुझे कांटा लगा है, कल किसी और को लगेगा, तो ये मैं जड़े खोद रहा हूं, लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? बोले कांटा लगा है, ये बाद में निकालूंगा, पहले इसकी जड़ें खोद डालो। योगी बैठ गया पेड़ के नीचे, देखता रहा कि वो जड़ें खोद रहा है। जड़ें खोद लेने के बाद भी फिर वो उसमें मट्ठा उलीचता रहा, छाछ नमक डाल देकर। पूछा अब क्या कर रहे हो? तो उसने कहा इसकी जड़ों में मट्ठा उलीच रहा हूं, जैसे कि जड़ें हरी न हो जाएं। और उसके बाद भी सारी जड़ों को खोद कर उसने आग लगा दी कि जो बीज हैं उनको भून रहा हूं। अध्यात्म किसे कहेंगे कि जो दुख की जड़ों को खोद डाले, जो संशय का उन्मूलन कर दे, कि हमारे पास कोई भ्रम भय रहने ना पाए। इसे चतुर और सुजान कौन है इस धरती पर? वो जो फियरलेस, जो भय रहित जीता है। अगर भय हमारे पास है, अवसाद हमारे पास है, अज्ञान की ये सारी उपज है और उसका नाश, या संशय की उपज है और उसका नाश कथा से होता है। कथा में से स्वाभाविक रूप से वो तत्व निकलता है, स्वाभाविक रूप से। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई। मति कीरति गति भूति भलाई, जो जानव सत्संग प्रभाव। वेद कहता है दैट इज द ओनली वे, नान्या पंथा विद्यते अनाय। दैट इज द ओनली वे, देयर इज नो वे, कोई दूसरा रास्ता है नहीं। नान्या पंथा विद्यते अनाय, वेद कहता है एक बार सत्संग में आई है बहुत सारे उपाय मिल जाएंगे आपको, सब उपाय। सत्संग में तो उपाय मिलते हैं, सत्संग में तो उत्तर मिलता है, सत्संग में जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। जो जानब सत्संग प्रभाव। अभी गरुड़ जी वहां पहुंचे नहीं है, काकभूषण के आश्रम में। ऐसा कहते हैं कि उनके आश्रम में पहुंचने से पहले ही वो संशय रहित हो गए, इतना ऊर्जावान परिवेश काकभूषण जी का। गुरुस्तु मनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया, कि मूक व्याख्यान एक दिव्य वहां की ऊर्जा, और उससे गरुड़ जी के अज्ञान का नाश हो गया। इससे बड़ी महिमा है सत्संग के, सत्संगत्व ने जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति। दो दो दीपक आपके पास रख दिए जाएं तो लगभग मिट्टी एक जैसी,
तेल दिया बाती एक जैसा, पर बड़ा कभी कभी सैद्धांतिक अंतर, बुनियादी अंतर दिखता है दीपक में। एक दीपक जला हुआ है और एक बुझा है, बड़ा अंतर है। आपकी हथेली पर दो चने रख दिया जाए, एक भुना हुआ और एक कच्चा, तो दोनों में एक बुनियादी फर्क है। एक है जिसमें अंकुरण की संभावनाएं नहीं है और एक है जिसमें अंकुरित होने की बहुत सी संभावनाएं। इसे सत्संग आपको कुछ और बनाता है, आपकी वैचारिकी को पवित्र करता है। जिसमें हर पल आप रहते हैं, जिसके संग, वो कोई और नहीं, वो विचार है, वो विचार है। तो वैचारिक पवित्रता जहां से आती है वो सत्संग है, वो कथा है। वैचारिक पवित्रता, भाव सुचिता, चिंतन की शुद्धता, इसे कुछ लोगों को तो सोचना नहीं आता, उन्हें विचार करना नहीं आता, इसलिए तो रात भर जगते रहे, वो करवटें बदलते रहे, तकिया गीला करते रहे, उन्हें पता ही नहीं है कि सोचें कैसे। जिनको सोचना तक नहीं आता, थॉट प्रोसेस जिनको नहीं आता कि किस तरह से सोच रहे हैं, चिंता किस हद तक करें, कितनी करें। हम तो चिंतित हैं, व्यथित हैं, दुखित हैं जी, कितनी चिंता करें, कितने शोक में रहें। जिनको विचार करना नहीं आता तो वो सत्संग में आए, कहा कि विचार करना आ जाएगा, क्या विचार करें, चिंतन कैसा हो, सोच कैसी हो। हम लोग अपनी हठ धर्मिता जिद से मुक्त न हो सके, अपनी दुर्बलताओं से मुक्त न हो सके, तो जीवन का सौंदर्य तो कहां है, बहुत दूर छिपा है वो। ऐसे कथा बड़ी सामर्थ्य देती है, आपको जयी बनाती है कि आप दुर्गुणों को जीत सके। राम कथा में हर प्रसंग में छू सकूं ऐसा मेरा मन है, हर प्रसंग छुए थोड़ा थोड़ा, कोई किसी एक चरित्र विशेष पर, कोई ऐसी कुछ मीमांसा करते हुए, तत्व बोधक या कहीं कोई एक दर्शन की पृष्ठभूमि में खड़े होकर कथा नहीं करेंगे। गांव में आए हल्के हल्के हर प्रसंग को छूते हुए चलेंगे, थोड़े थोड़े हर प्रसंग। तुलसीदास जी लिखते हैं, राम जन के हेतु अनेका, परम विचित्र एक से एका। राम जन के हेतु अनेका, राम जन के तुने का, परम विचित्र एका, परम विचित्र Oh,
पड़े ऐसे भगवान शिव कहते हैं कि हे भवानी सावधान होकर सुमति के साथ। क्योंकि श्रवण भी एक बड़ी कला है, सुनना सुनना एक बड़ी कला है। सावधान हो के सुना जा सके श्रद्धा के साथ। श्रद्धा हो तो दिखाई देगा वो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। कुछ कुछ कारण हैं जिनके हम यहां इस धरती पर क्यों हैं, कुछ कारण हैं। भारतीय मनोविज्ञान ये कहता है कि हम भूतकाल की फसल हैं, हम भूतकाल का उत्पादन हैं, हम जो बीत गया है उसका फलादेश है, हम अपने कर्मों का फल हैं, अपने कर्मों की फसल हैं, हम स्वयं का उत्पादन हैं। कभी पता लगा कर देखो कि हम क्यों हुए, ऐसे ही क्यों हुए, ऐसी जाति आयु भोग भाग्य प्रारब्ध क्यों है। ये जो जाति आयु, जाति से मेरा अर्थ कास्ट से नहीं है, ना ना, जाति से मेरा मतलब देह से है। ऐसी देह आयु भोग भाग्य प्रारब्ध ये क्यों है। भूतकाल की फसल है हम, अपने कर्म का फल है हम खुद का उत्पादन है, खुद का स्वयं का उत्पादन है। ये बात देख ली कि आप अपना ही उत्पादन है, आप जैसा आप चाहते थे वैसे हैं। ये जो है आप अपना फल हैं, अपनी फसल हैं। इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मित्र विधीयते, जीवन खेत की तरह से है, आप उसमें जो बोएंगे वैसी फसल आएगी। आप क्या शेप देना चाहते हैं, आप कौन सा आकार देना चाहते हैं, ये तो बिल्कुल मिट्टी की तरह से, कौन सा आप आकार देना चाहते हैं, आप क्या रंगना चाहते हैं, अपने में से क्या निकलना चाहते हैं, आप में से आप क्या बनना चाहते हैं, आप कैसा चाहते हो। इसे जो है ये भूतकाल का फल, उसकी फसल, उसका उत्पादन वर्तमान भूतकाल का उत्पादन है, जो वर्तमान है ये भूतकाल की फसल है, तो भविष्य कैसा होगा इसमें किसी ज्योतिष से क्यों पूछें। वो तो हम जो कर रहे हैं वो हमारा फल होगा, वो तो हमें स्वयं को पता है कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, अनेक निमित्त। तो भगवान शिव कहते हैं भवानी सावधान होकर सुनो। कुछ कुछ मैं बता देता हूं कि दो चार ये भी एक कारण रहे कि यहां भवो भारा अवतार आया, इस धरा के भार को उतारने के लिए इस धरती पर जब भार बढ़ता, बाड़े खल बहु चोर ज्वारा, जे लंपट पर धन पर दारा, माने मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। इस धरती पर जब नैसाचरी प्रवृत्तियां बढ़ जाए, आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ जाए, बाड़े खल खल जो हटात बलात् अतिक्रमण करें संपदा का, ज्ञान का, विभूति का, दास बना दें आपको, बिना श्रम साधन के संपदा आए, अच्छी लगने लगी है, अब संकोच नहीं। अब जिस युग में हम जीवन जी रहे हैं उसमें ये बात तय हो रही है कौन आगे बढ़ गया, कैसे बढ़ा है, आगे कौन चर्चा करता है, ये आगे कैसे निकल गए। तत्काल साधन मिल जाए, तत्काल सिद्धि मिल जाए, ये कौन चर्चा करता है कि आप किस गलियारे से निकल कर आए, किन उपकरणों से प्राप्ति हुई है, या कि किस तरह से ऊर्जा का स्रोत क्या है, या कि आजीविका का स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या मैटर करता है, कौन बॉदर करता है, क्या मायने है इसके, कि कहां से मिला है, कैसे मिला है। हां आप आगे बढ़ गए बस,
तत्काल लाभ मिले कैसे ही मिले, और जब तत्काल लाभ के लिए आप सारी सीमाएं तोड़ दें, मूल्य चटक जाए, परंपराओं की विस्मृति हो, सिद्धांतों के विमुख हो जाए, स्वयं से संधि कर लें, चरित्र न रह जाए, जमीर बेच दें, वजूद खो जाए, अपने अस्तित्व में कहीं हम न दिखें और आगे बढ़ गए, तो ये भी एक आगे बढ़ना है। एक बढ़ना तो है ही आगे, कि आप आगे तो बढ़ गए, लेकिन सब बेचकर, सब खोकर आप खुद नहीं रह जाते, आप नहीं रह जाते। बड़े खल बहु चोर जुआरा, खल किसे गाएंगे, उसके अच्छी चर्चा है खल की, जो सारी संपदा मेरी है, ये समूची धरती की, ये आदि दैत्य कहता है हिरण्याक्ष, ये सारी धरा पर जो कुछ है मेरा है, जो सोना है, जो अभ्रक है, रसायन है, लोह है, रत्न है, उन्नत कोटि के जो भी यहाँ पदार्थ हैं, सब मेरे हैं, पूरी धरती मेरी है, तो जिसका छीनने में विश्वास है, नीम बबूल तुलसी हल्दी होती नहीं जिन देशों में, हम उस चिंता में हैं कि हम इसका पेटेंट कर लें, हमारी हो जाएंगे चीजें, खल, ये खलता है, इसे खल कहेंगे। नीम बबूल हल्दी तुलसी होती नहीं, वो जानते नहीं नीम क्या है, बबूल क्या है, हल्दी क्या है, तुलसी क्या है, और इस धरती पर प्रतिशत का बोध हुआ, अंक का ज्ञान कराया इस धरती के ऋषि मुनियों ने, दशमलव का ज्ञान कराया, उन्हें यह चिंता नहीं है कि दशमलव और परिधि का प्रबोध हमने किया है, शून्य का ज्ञान हमने कराया, अंक अक्षर हमने दिए, औषधि हमने बताई है, जीवन के सत्य को हमने सिखाया है, वो चिंता नहीं है स्वामित्व की, प्रभुत्व की। खल किसे कहेंगे जो स्वामित्व की चिंता में रहता है, प्रभुत्व मेरा रहे, मेरा वर्चस्व रहे, भले मैं योग्य नहीं हूं। बाड़े खल जब ये बढ़ने लगे, बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, माने मात पिता नहीं देवा, मात पिता का अर्थ है परंपरा को जो नहीं मानते, माने मात पिता नहीं देवा, मात पिता का अर्थ है परंपरा को मानना। तो गुरु कौन होता है जिसका कोई गुरु रहा हो, कौन पिता बन सकता है जिसका कोई पिता रहा हो, बिना पिता के आप पिता कैसे बन सकते हैं, हम पिता तो बनना चाहते हैं पर हमें कोई पिता नहीं है। गुरु का गुरु हो, उर्दू मूल दशा का अश्वतम प्राहोर वयम छंदांसि यस्य परणानि यस्तम वेद स वेदविद, ब्रांचेस हैं, फैमिली ट्री, जिस वंश वृक्ष की चर्चा कुछ लोग आज भी करते हैं, अपनी डायरियों में लिखते हैं कि दादा के दादा के दादा के दादा के दादा, ये हमारा ये वंश है, हमारे पिता के पिता के पिता के पिता, पितामह पितामह प्रपितामह, पवित्रेण शतायुषा, वेद कहता है पवित्रेण शतायुषा। बड़ी ऊर्जा लेने के लिए आपको आपके पिता के पिता के पिता के पिता का पता होना चाहिए, और उसके भी पिता का, और उसके भी पिता का, और उसके भी पिता का, माने परम पिता, पवित्रेण शतायुषा, माने मात पिता नहीं देवा, माता पिता के साथ रहिए, बड़ी मूल्यवान चीज है, सबसे महंगी चीज है माता पिता, वो कभी गलत नहीं हो सकते। प्रसंग तो बहुत बार ऐसे आते हैं, लगता है गलत जैसे हैं वो, पर भैया ऐसा कहा गया कि वो गलत नहीं हो सकता। विदेशी दौरे में एक बात तो मेरे समझ में आई, वहां वो कहते हैं विदेश के लोग कि बॉस इज ऑलवेज राइट, वो कहते हैं जो भैया बड़े हैं वो हमेशा सही है। चलिए अच्छी बात है, बड़े हमेशा सही होते हैं, ये जो पिता है बिल्कुल पिता, माने मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावी सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। जब निशाचर बढ़ गए, चलत दशानन धूलत अवनी, ये धरती डोलने लगी, सूचना की तकनीक कितनी उन्नत उस समय की, संचार क्रांति कितनी उन्नत थी उस समय की, आज से कभी और अधिक कहीं। अभी दो चीजें हमारे हाथ लगी इस युग में, एक लगभग एक दो दशक में नया अगर कुछ सीखने को देखने को मिला है, इन पिछले एक दो दशकों में
तो सूचना की तकनीक, संचार की क्रांति, समाचारों का आदान प्रदान, घटनाओं की जानकारियां त्वरित, उससे पहले थी वो तो कभी पहले। तो जब ये बढ़ने लगे, बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, माने मात पिता नहीं देवा, ऐसे में फिर भो भारा अवतारा धरती पर, वो आ सके ऐसा प्रबंध किया गया। धरती को गौ बनाकर देवताओं ने आगे रखा। गौ कहते हैं उसका क्रंदन सुन नहीं पाता ईश्वर, गौ का क्रंदन, गौ की करुण पुकार उसके भीतर करुणा पैदा करती है। गौ का क्रंदन, हमारी संस्कृति, ये भारत की संस्कृति पंच गकार से समझी जा सकती है। गुरु, गौ, गीता, गंगा, गायत्री, ये पंच गकार हैं। किसी को निरापद रहना हो, स्वस्थ रहना हो, सुंदर रहना हो, जयी रहना हो, किसी को बहुत अधिक धनवान बनकर रहना हो, ऊर्जावान प्रज्ञावान, किसी को अधिक समर्थ रहना हो, इस समुचित धरा के वर्चस्व और स्वामित्व के साथ जीने की कोई अभीप्सा में हो, तो पंच गकार की साधना करे। और ये पंच गकार हैं गौ, गुरु, गीता, गंगा, गायत्री। गंगा से आशय जल की पवित्रता से, गीता से आशय मंत्र से है, गुरु से आशय सत्पुरुषों की सेवा और उसकी सन्निधि और उसके सदुपदेश और सिद्धांतों के अनुगमन से है। गौरवी जय जय सुर नायक, जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, भगवान को पुकारने लगे। चतुरानंद ब्रह्मा पंचानन शिव षडानन देव सब, और भगवान ने कहा चलिए मैं आता हूं धरती पर, आप चलो बस मैं आता हूं, राम बनकर मैं धरती पर आऊंगा। एक उन्नत कोटि का वीर्य चाहिए, रज चाहिए, वैसे मनु शत्रुपा का तप, अद्भुत तप, करें आर्षा का फल गंदा, सुमरी ब्रह्म सच्चिदानंदा। एक बड़े साधन के लिए विधि बताई गई है कि क्या करें, करें आहार शाक फल कंदा, पश्चिम में तो कोई जानता भी नहीं है आहार की शुचिता क्या है, पवित्रता क्या है, आहार का मतलब क्या होता है, पश्चिम में तो कोई नहीं जानता। अब वहां शाकाहारी बनने लगे हैं तो एक नई चीज सीख ली उन्होंने कि वीगन है, हम तो डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेंगे, दूध दही घी नहीं लेंगे। अरे भाई दूध दही घी नहीं लोगे, ये भी बेकार है सब चीजें, वो और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो संतुलित आहार नहीं मिल रहा है, आहार ठीक नहीं होगा तो पौष्टिकता नहीं आएगी, विचार वृद्धि नहीं होगी, बल वृद्धि नहीं होगी, चिंतन का अभाव रहेगा, संकल्प शिथिल होंगे। जिस संस्कृति ने आहार की शुचिता, आहार की मात्रा, आहार का क्रम बताया, आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, वो भारत की संस्कृति है। आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, ऋषि मुनियों ने कहा कि तब करना है ईश्वर को धरा पर ला सके, इस पूरी धरती पर परिवर्तन के लिए परमात्मा पैदा हो, इसके लिए आवश्यक है कि पहले साधन करें, और साधन में पहला साधन है आहार शुद्धि। हमारे यहां ये माताएं न जाने कितने व्रत करती हैं, ये बड़ी विधि है व्रत करने की, आहार शुद्धि, आहार शुद्धि, आहार मात्रज्ञता, आहार पवित्रता, मित भोजी, आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, आहार से सत्व की वृद्धि होगी, संकल्प आपका बड़ा होगा, वैचारिक पवित्रता आएगी, स्वयं पर नियंत्रण करने की सामर्थ्य आपकी आएगी। आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, करें आहार शाक फल कंदा, सुमरें ब्रह्म सच्चिदानंदा। इस समुचित धरती का शासक तप करता है, मनु शत्रुपा ने तप किया, भगवान ने आकाशवाणी से कहा जाओ मैं आऊंगा आपके माध्यम से, दशरथ बनेंगे आप,
ये कौशल्या बनेंगी, मैं पहुंचूंगा आपके रंग महल में, कनक भवन में। अष्ट चक्र नव द्वारा देवानाम प्रोध्या अयोध्या में दशरथ के हैं, वो संभावनाएं बन गई। क्या संभावना बनेंगी ईश्वर के आने की? वो तत्व किसके यहाँ जागृत हो सकता है? वो तत्व कहाँ अवतरित हो सकता है? सत्पुरुषों का कहना है जो जितेंद्रिय हैं, जितेंद्रिय प्रसन्नात्मा। कुछ लोग कहते हैं हम खुश नहीं रहते, प्रसन्न नहीं रहते, हम कैसे प्रसन्न रहें? उसके लिए एक सूत्र है भाई, जितेंद्रिय प्रसन्नात्मा। आप प्रसन्न रहना चाहते, जितेंद्रिय बनो, इंद्रियों को जीते। जिसने अपनी इंद्रियां नहीं जीती है प्रसन्न कैसे रह सकता है, आनंद में कैसे रह सकता है, शांत कैसे रह सकता है? आप शांत रहना चाहते हैं, सहज रहना चाहते हैं, जितेंद्रिय प्रसन्नात्मा, इंद्रियों को जीतिए,